अस्सलाम वालेकुम। ये एक प्यारी सी छोटी सी बुलबुल है जिसने हमारे मेन गेट के बाहर एक बेल लगी हुई है, वहाँ पे 3 छोटे से बच्चे पैदा किए हैं जो कि बेहद क्यूट हैं और खूबसूरत टुंडमुंड से हैं। फिलहाल तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई परिंदा जो है वो इतना नज़दीक जिसने घोंसला बनाया हो कि जहाँ पे आते जाते सबकी नज़र पड़ रही हो। बस अल्लाह पाक अब इनकी हिफाजत फरमाए। ये प्यारी सी बुलबुल ने किया है इंसानों पे भरोसा और हमारे मेन गेट के बाहर जो गली है वहाँ पे बोगनवेल है, वहाँ पे इसने बनाया है घोंसला और बिल्कुल नीचे करके बनाया है कि ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बनाया। थोड़ा ऊंचा होता तो शायद सारे इंसानों की पहुँच से दूर हो जाता, इंसानों बच्चों सबके पहुँच से दूर हो जाता, लेकिन ये तो बहुत ही नीचे करके बनाया। और मैं जब बुलबुल नहीं होती है तब मैं इनके साथ छेड़खानी कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत हाई हेलो कर लेता हूँ कि इनको नुकसान भी ना हो। और ये इतने क्यूट आवाज़ें निकाल रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते के हो गए हैं और मैं इनको रोज़ाना ही चेक करती हूँ कि ये कितने बड़े हो रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं। फिर हुआ इस फैमिली के साथ एक हादसा जो कि इंसानों पर भरोसा करके होता ही है। हुआ ये कि मैंने अपनी हमसाई के साथ शेयर कर लिया, उनके घर में काफ़ी ज़्यादा परिंदे उन्होंने रखे हुए हैं बेचने वगैरह के लिए, तो मैंने उनको बताया कि हमारे घर के बाहर बोगनवेल पे बुलबुल ने प्यारे से बच्चे दिए हुए हैं। तो उन्होंने रात को वो बच्चे उठा लिए, वो कहते हैं उनके बच्चों ने उठा लिए। अल्लाह पाक जानते हैं क्या सच्चा क्या झूठा, क्योंकि जिस रात मैंने उनको बताया शाम को उससे अगले दिन सुबह वहाँ पर बच्चे नहीं थे, क्योंकि मैं सुबह रोज़ाना चेक करती थी लेकिन वहाँ सुबह होते ही बच्चे नहीं थे। 2 बच्चे नहीं थे, 1 बच्चा था उनका। फिर खैर ये हुआ कि कुदरत को इनको आपस में मिलवाना था, वो लोग बाहर लेकर बैठे हुए थे। फिर हमने उनकी मिन्नतें समाजते करके थोड़ी लड़ाई झगड़े करके उनसे वापस ले लिए कि भाई ये बुलबुल के बच्चे उनको दे दो। फिर मैंने यहाँ पे रखा उनको पिंजरे में, पिंजरे का एक सुराख खुला रखा ताकि बुलबुल, क्योंकि पहले हमने उनको घोंसले में रखा तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, गिर जाते थे। फिर यहाँ पे देखा कि बुलबुल बार बार आती है और उनको फीड करवा के जाती है, और बुलबुल ने तो फौरन पहचान लिया, हालांकि 3-4 दिन बच्चे गायब थे लेकिन फिर भी उन्होंने पहचान लिया बुलबुल ने कि ये मेरे ही बच्चे हैं। तो फिर भी हमने अपने हमसायों को बहुत समझाया कि भाई वो परिंदे के बच्चे हमने उनको वापस करने, हमने अपने पास नहीं रखने। खैर उन्होंने हमें बहुत सारी धमकियाँ दी कि हम आपको देख लेंगे, हमने कहा हाँ जी हम भी आपको देख लेंगे, क्योंकि बुलबुल जब अपने बच्चों को देख लिए तो हम भी आपको देख लेंगे, जब उसने पहचान लिए तो हम क्यों छोड़ें। तो बुलबुल यहाँ पर आती है और इनको ये देखेंगे 2 वाले बेबीज़ हैं, इनको फीड करवा के चली जाती है। तीसरा भी गायब हो गया था, उसके साथ भी पता नहीं क्या ट्रेजेडी हुई, वो भी चला गया बेचारा। और ये यहाँ पे बैठी रहती है और सारा दिन इसका यही काम है, खुद पता नहीं कुछ खाती है या नहीं खाती है, लेकिन ये चूंच में कुछ ना कुछ लेकर आती है और अपने बच्चों को फीड करवाती है। तो इससे हमें ये खुशी मिली है कि चलो उसको तसल्ली तो हुई, उसका भरोसा टूटा लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनसेट तो हुआ। अब ये बच्चे बाहर आना शुरू हो गए हैं तो मैंने सोचा कि हो सकता है इनकी माँ भी इनको वापस बाहर बुलाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम लोग अब बाहर आओ। वो भी इनको फीड कम करवाती है, पहले 2-3 घंटे भूखा रखती है, एक सज़ा देती है कि बाहर निकलने की कोशिश करो, शायद थक चुकी है, 1 हफ्ता हो गया उसको यही प्रैक्टिस करते हुए। अब ये नवाब बाहर निकला